जैसे कि आप लोग नेटवर्किंग टावर्स आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एयरटेल, जियो और जो भी एटीसी जो भी हैं, सभी के टावर्स आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन कभी आपने गेस किया है कि ये टावर्स वर्क्स कैसे करते हैं, आखिर ये टावर काम कैसे करते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो ये टावर्स होते हैं ना, इनके अंदर दो ही चीज ज्यादा मुख्य होता है और आप लोग जरूर देखे होंगे। इस टावर के ऊपर एक लंबे लंबे से ऑप्शंस दिखाई देंगे और एक सर्किल आकार का आपको दिखाई देगा, यानी गोल टाइप्स का दिखाई देता है, एक लंबे टाइप्स का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आखिर में ये सब क्या होते हैं और ये वर्क्स कैसे करते हैं हमारे टावर्स पे और इनका नाम क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा ये लंबे से होते हैं ना, जो खंबे टाइप के लंबे से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जीएसएम एंटीना। जीएसएम एंटीना एक्चुअली में करते क्या है ना, कि जैसे कि हम कॉल को फॉरवर्ड करना, कॉल को रिसीव करना, ये काम होता है हमारे जीएसएम एंटीना, जो लंबे टाइप्स के होते हैं, व्हाइट कलर में लंबे टाइप्स के होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीएसएम एंटीना। यानी कि कॉल को, आई हुई कॉल उस एरिया में जो 5 किलोमीटर्स का रेंज होता है, उसमें जो कॉल्स आते हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है। अगर वो बंदा उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस कॉल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी सेंड भी करने का काम करता है। और ये काम करता कौन है, ये हमारा जीएसएम एंटीना जिसे हम बोलते हैं, ये लॉन्ग टाइप्स का होता है, लंबे सा होता है, व्हाइट कलर्स का। तो एक का मतलब हमने समझ लिया अब सर, ये गोल गोल सा लंबा सा ढोलक जैसे लगा रहता है, आखिर इनका क्या नाम है? इनका नाम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक्चुअली मतलब करता है कि ना, माइक्रोवेव एंटीना जो है ना हमारा, एक्चुअली करता है कि ये 5 किलोमीटर के रेंज को एक्सेप्टेड करता है। मतलब कि इसका एक एंटीने का एक रेंज होता है 5 किलोमीटर। जैसे हम बताते हैं कि हमने आपको थ्योरी में बताया था कि जो टावर से हमारे फोन की दूरी होती है वो 5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर। अगर हम 5 किलोमीटर दूरी से आगे बढ़ते हैं अपने टावर से, तो हमारा आउट ऑफ नेटवर्क होता है। जब भी हम कोई कॉल लगाएगा हमारे फोन पे, तो बताएगा आउट ऑफ कवरेज एरिया। मतलब जो 5 किलोमीटर्स का जो कवरेज एरिया है ना, अगर उससे हम दूर जाते हैं तो हम नेटवर्क से क्या विचलित हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये काम क्या करता है, माइक्रोवेव जो एंटीना होता है ना, वो इन सभी को जकड़ के रखता है। मतलब कि अगर आप किसी एरिया में जाते हो, 5 किलोमीटर के अंदर अगर टावर है, तो आपको अपने अंदर में कैच कर लेगा। तो ये माइक्रोवेव एंटीना क्या करता है कि मतलब अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर आते हो, तो आपको क्या करेगा, वो अपने अंडर में कर लेगा। एक्चुअली माना जाए कि जो एयरटेल होते हैं, जियो होते हैं, ये हमारा जो भी वोडाफोन वगैरह होते हैं, इनकी टावर होती हैं। अब ये टावर पे कोई भी कंपनी किसी का भी तो नहीं लगा सकता, लेकिन एक्चुअली मल्टीपल अब देखा जा रहा तो ऐसा हो रहा है। जीएसएम एंटीना क्या करता है ना, जीएसएम एंटीना हमारा किसी भी कॉल को रिसीव करना, अगर वो बंदा इस जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको कॉल को आगे चल के ट्रांसफर करना। मान लीजिए मैं यूपी का हूँ, मैं कुछ समय के लिए बिहार चला गया, तो मेरा कॉल यूपी ट्रांसफर की जाएगी, फिर यहाँ से मुझे बिहार के लिए ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको पूरा A to Z जो भी है मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, फोन कैसे काम करता है। और मैंने ये भी बताया कि जो हमारा ये नेटवर्क्स होता है ना, हमारा फोन सिर्फ हमारे फोन से हमारे टावर तक का ही वायरलेस होता है, बाकी पूरा की पूरा क्या होते हैं, वायर से कनेक्टेड होते हैं। एक टावर दूसरे टावर से, एक टावर दूसरे टावर से कनेक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली इन टावरों पे बस दो ही चीज देखने को मिलता है, जीएसएम एंटीना, एक माइक्रोवेव एंटीना। तो अगर जीएसएम एंटीना की बात करें, तो ये लंबे लंबे होते हैं और व्हाइट कलर्स के होते हैं, गोल आकार में जो होते हैं वो हमारा माइक्रोवेव एंटीना होते हैं। तो जीएसएम एंटीना का काम बस वही है, कॉल को यहाँ पे रिसीव करना, यहाँ से फॉरवर्ड करना, और हमारे जो माइक्रोवेव है एंटीना है वो क्या करता है ना, 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी फोन्स होते हैं उनको क्या करता है, अपने रिकवरी के अंदर, अपने कवरेज एरिया में रखते हैं। अगर हम उनसे बाहर जाते हैं, अगर फिर कोई मेरे पास फोन करता है, तो उस दौरान हमारे फोन पे ये बोलता है कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। तो एक्चुअली बस ये काम होता है हमारे माइक्रोवेव एंटीना और जीएसएम एंटीना से। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।